गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन जीके क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 18 एंड 19. आवर टॉपिक इज एनवायरनमेंट अराउंड. हाँ जी बेटा, आज हम पेज नंबर 18 एंड 19 करेंगे. सो लेट स्टार्ट. ओपन योर बुक पेज नंबर 18, एक्सटिंक्ट और अडेंजर्ड. हाँ जी बेटा, आपने एक्सटिंक्ट और अडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में साइंस की बुक में लेसन 4 में ऑलरेडी रीड किया हुआ है. ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, और अडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन ख़त्म होने वाले हैं. ठीक है, अडेंजर्ड स्पीसीज आर द वंस विच आर नॉट एक्सटिंक्ट येट बट आर इन ए डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड थॉटलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स. कि अडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं लेकिन डेंजर में हैं. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं, और ह्यूमन जो हैं एनिमल्स को किल कर रहे हैं फॉर देयर बॉडी पार्ट्स के लिए. ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अडेंजर्ड स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ गिवन क्ल्यूज. कि नीचे जो हैं कुछ अडेंजर्ड स्पीसीज दी गई हैं और क्ल्यू भी दिए हैं. क्ल्यू की हेल्प से आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, साथ में स्पीसीज की डायग्राम भी बनी हुई है. ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है. दीज रेप्टाइल्स आर ट्रैप्ड फॉर देयर स्किन. रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले एनिमल्स, कि उनकी स्किन के लिए उनको ट्रैप किया जा रहा है. तो देखिए बेटा, पिक्चर किसकी बनी है और फर्स्ट लेटर भी दिया है, क्रोकोडाइल. सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, क्रोकोडाइल. सेकेंड है, दे आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स विच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव मेडिसिनल वैल्यू. कि इनको उनके हॉर्न्स के लिए हंट किया जा रहा है और उनका यूज़ मेडिसिनल वैल्यू में किया जा रहा है. ठीक है, देखिए बेटा हॉर्न्स, तो हॉर्न किसके होते हैं, फर्स्ट लेटर है आर, रहनो सोर. आर एच आई एन ओ सी ई आर ओ एस, रहनोसोर. थर्ड है, दिस एनिमल इज़ द वर्ल्ड सिंबल ऑफ कंजर्वेशन. इट इज़ डिक्रीजिंग इन नंबर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट. हाँ जी बेटा, देखिए पिक्चर कि ये जो एनिमल है ये सिंबल ऑफ कंजर्वेशन है, और ये इसके जो नंबर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो हैबिटेट्स है वो ख़त्म हो रही हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लेटर है बेटा जी, तो जेंट पांडा. ठीक है, जी आई ए एन टी पी ए एन डी ए, जेंट पांडा. फोर्थ वन इज़, इट इज़ हंटेड फॉर इट्स एक्सपेंसिव टस्क. कि एक्सपेंसिव होता है महंगी, टस्क होता है जो सूंड. ठीक है, तो किसकी होती है टस्क, एलिफेंट की. फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और पिक्चर भी देखिए आप, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. फिफ्थ वन इज़, इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल किल्ड फॉर इट्स एक्सपेंसिव ऑयल. कि ये लार्जेस्ट एनिमल है और ऑयल के लिए इसको किल किया जा रहा है. फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू, पिक्चर देखिए किसकी बनी है, वेल की, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल. सिक्स पे आइए, इट इज़ ए वाटर एनिमल, एन इंटेलिजेंट मैमल एंड अ ग्रेट इंटरटेनर. ठीक है, कि वाटर एनिमल है, पानी में रहने वाला एनिमल है, इंटेलिजेंट मैमल है, और ये सबको इंटरटेनमेंट करता है या इंटरटेन करता है. तो देखिए बेटा किसकी पिक्चर बनी हुई है, और फर्स्ट लेटर है डी, डॉल्फिन, डी ओ एल पी एच आई एन, डॉल्फिन. सेवन्थ वन इज़, द लार्जेस्ट बर्ड ऑन अर्थ. इट वॉज एट वन टाइम
मेनली हंटेड फॉर इट्स टेल फीदर्स। ठीक है, कि लार्जेस्ट बर्ड है अर्थ के ऊपर और ये उसकी जो टेल है उसके लिए हंट किया जा रहा है। हाँ जी, देखिए बेटा किसकी पिक्चर बनी हुई है और फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, ऑस्ट्रिच, ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच। ओके, लास्ट में डू यू नो है, द लार्जेस्ट डायनासोर दैट लिव्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बिफोर ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज ऑलमोस्ट 90 feet लॉन्ग। कि जो लार्जेस्ट डायनासोर हुए हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस से पहले, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो वो कितने लंबे होते थे, 90 feet लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 19, मशीन ईरा। मैनी डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस हैव मेड आवर लाइव्स लॉन्गर एंड ईजियर, मैच दीज डेवलपमेंट्स विद द गिवन डिस्क्रिप्शंस। हाँ जी बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं कि साइंस में जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, ईजी। ठीक है, नीचे जो डेवलपमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, हमने उनको उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर ट्रेसिंग हर्ट मूवमेंट्स, कि हर्ट की जो मूवमेंट्स हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ECG। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, सेकंड वन इज़ अ मशीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट सर्जरी, कि अगर हमने इंटरनल ऑर्गन जो हैं उनको उनकी इमेज को फाइंड आउट करना है विदाउट सर्जरी, तो हम कौन सी मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कौन सी मशीन है बेटा, वो अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। ओके, थर्ड है ए मशीन यूज्ड टू रिवीव द पेशेंट ड्यूरिंग द कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसका यूज़ हम कार्डिक अरेस्ट के ड्यूरिंग करते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका बेटा डिफिब्रिलेटर्स। ठीक है, फोर्थ वन इज़ अ मशीन यूज टू टेक द पिक्चर्स ऑफ बोन्स, कि कौन सी मशीन की हेल्प से हम बोन्स की पिक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है बेटा आपका एक्सरे। एक्सरे की हेल्प से हम अपनी बोन्स को देख सकते हैं। फिफ्थ है ए मशीन दैट प्रोड्यूसेस अ 3-dimensional इमेज ऑफ फंक्शनल प्रोसेसेस इन बॉडी, कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसकी हेल्प से हमें 3-dimensional इमेज जो है वो हमारी बॉडी की दिखाई देती है। ठीक है, तो कौन सी है वो मशीन, PET। ठीक है, और पैट्रियन एमिशन टोमोग्राफी। और लास्ट वन इज़ अ मशीन ऑफन यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन डिसऑर्डर, कि किस मशीन से हम ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन में कोई कमी है या जो प्रॉब्लम है ब्रेन्स की, उसको कैसे रिकॉर्ड हम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ EEG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफी। ओके, ठीक है, तो ये सारी जो पिक्चर बनी हुई है साइंस की डेवलपमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, और इस तरह से हमने आज पेज नंबर 18 और 19 कंप्लीट किए। नेक्स्ट है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपने कंप्लीट करने हैं पेज नंबर 18 और 19 और इनको लर्न करने की भी ट्राई करनी है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।